ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और आप सबको साई राम। दोस्तों, एक बार प्रसिद्ध दार्शनिक लुई फिशर से मिलने कुछ विद्वान गए। एक रूसी युवक ने उनसे प्रश्न किया कि आप किस धर्म को सबसे अधिक तर्कसंगत तथा कल्याणकारी मानते हैं। लुई फिशर ने जवाब दिया कि मैं इस विवाद में नहीं पढ़ना चाहता कि कौन सा धर्म सबसे अच्छा या कल्याणकारी है, ना ही मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरे सामने वाले का क्या धर्म है, उसके क्या विचार हैं, मैं इस पचड़े में भी नहीं पढ़ना चाहता। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि मेरे सामने वाले की क्या समस्या है और उसकी समाधान के लिए मैं किस प्रकार उसकी सहायता कर सकता हूं। लुई फिशर कुछ क्षण रुके और उन्होंने फिर कहा कि दुखी मनुष्य की सेवा सहायता करना करने को तात्पर्य व्यक्ति ही सबसे बड़ा धर्मात्मा है। धर्म का अर्थ है सेवा, और जो कर्तव्य निष्ठ है वही अपने आप को धार्मिक कहलाने का अधिकारी है। तो दोस्तों, आइए आज चलते हैं दिल्ली NCR के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट और मिलते हैं ऐसे ही कुछ साई सेवकों से जिन्होंने मानव सेवा को माधव सेवा समझा। तो सबसे पहले चलते हैं सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की समिति C5 और मिलते हैं श्री LN शर्मा जी से। श्री LN शर्मा पेशे से इंजीनियर है और केंद्रीय सरकार से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद से सेवानिवृत्त हुए। सन 1977 से 1977 से वो समिति C5 के कन्वीनर हैं। आइए तो मुलाकात करते हैं श्री LN शर्मा जी से और सुनते हैं उनके अनुभव। ओम श्री साई राम। भगवान श्री साईं बाबा के चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मुझे साईं बाबा के बारे में और अपनी जो उपलब्धियां हुई है साईं बाबा के चरणों में आने से जो उपलब्धियां हुई हैं उनके बारे में बोलने के लिए कुछ कहा गया है, तो वो इस प्रकार है कि आई एम LN शर्मा, मैं पहाड़गंज में रहता हूँ और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट C5 का समिति कन्वीनर हूँ और काफी दिन से हूँ मैं। और ऐसा हुआ कि ये समिति मैं इस तरीके से साईं बाबा के सानिध्य में आया कि 1971 में मेरी अपॉइंटमेंट फ्रेश अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में हुई एज असिस्टेंट इंजीनियर अमराती महाराष्ट्र में, और 2-3 महीने हो गए मेरी सैलरी नहीं आई, कुछ न कुछ क्वेश्चन पूछते गए लेकिन उन्होंने सैलरी नहीं दी। इसी बीच में मैंने लोगों से पूछा कि कोई यहाँ कोई गार्डन वार्डन है, कोई वो लोन है जिससे कि मैं अपने बच्चों को वहां पर लेके जा सकूं और घुमा सकूं, तो किसी ने मुझे बोला कि हाँ एक लोन है, बस एक ही है यहाँ पर, वहां पर चल जाओ। फिर मैंने कहा पहले तो मैं देख के आता हूँ फिर मैं बच्चों को लेके जाऊंगा। मैं वहां देख के आया तो मुझे बहुत शांति लगी, अच्छी लगा, फिर मैं फिर अपनी फैमिली को लेके वहां गया। एक बार लेके गया, दो बार लेके गया, तीसरी बार जब मैं वहां लेके गया तो मैंने देखा कि वहां पर जो हाउसेस बने हुए थे वहां पर एक कोई मूर्ति भी है संत की किसी की, तो मैंने पूछा तो किसी ने बोला ये शिरडी बाबा की मूर्ति है और कुछ लोग आ रहे थे मत्था टेक रहे थे, तो उस वक्त मैं बहुत टेंशन में था क्योंकि मेरी सैलरी भी 2-3 महीने से नहीं आई थी, मेरी सर्विस ही रेगुलराइज नहीं हुई थी तब तक। तो मैंने शिरडी बाबा को बोला मूर्ति के आगे कि मेरे सब ये आप ये टेंशन है सब ले लो, तो मैंने देखा एकदम से मेरा माइंड जो है रिलीव हो गया, मैं बिल्कुल शांत हो गया। उसके बाद में मैं अगली बार गया तो वहां मुझे शिरडी बाबा के ऊपर एक किताब मिली साईं वचनामृत, वो मैंने किताब को पढ़ना शुरू किया तो उसमें पता लगा कि साईं बाबा ने बोला है कि 8 साल के बाद मैं दोबारा जन्म लूंगा। इसी बीच में मुझे किताब पढ़ते पढ़ते कंटिन्यूस पढ़ता रहा, कोई 24 घंटे के अंदर ही मुझे ऐसा इंट्यूशन आया कि मुझे शिरडी जाना चाहिए और मैं 14 अक्टूबर 1971 को शिरडी पहुंच गया और बस दूसरे दिन शिरडी से वापस आ गया। वहां बहुत आनंद आया शिरडी बाबा के दर्शन करने के बाद में, और फिर
वहां मैं नागपुर में भी वहां मैं अमरावती में सब लोगों से पूछता रहा कि 8 साल तो हो गए तो श्री बाबा को गए हुए तो अब यहाँ साईं बाबा का ने दूसरा जन्म लिया होगा लेकिन किसने कुछ मुझे बताया कि नहीं दिया कहीं कुछ पता नहीं लगा। इसी बीच में 1972 में फिर मेरा ट्रांसफर नागपुर महाराष्ट्र में हो गया। नागपुर में आके फिर मैंने वहां लोगों से पूछना शुरू किया कि श्री बाबा का कोई दूसरा जन्म हुआ है तो कहाँ अवतार हुआ है क्या हुआ है लेकिन किसी ने मुझे बताया नहीं। लेकिन फिर पता नहीं किस तरीके से मुझे कुछ याद नहीं आ रहा कि हमारे हमारी रेजिडेंस से 10-11 किलोमीटर दूर एक मिस्टर राव का रेजिडेंस था वहां पर थर्सडे में भजन होता था। वहां पर मैं गया वहां भजन अटेंड किए तो वहां पर देखा मैंने कि श्री बाबा की भी फोटो लगी है सतसाई बाबा की फोटो लगी है। लोगों ने बोला बोला कि श्री ये सतसाई बाबा जो है ये श्री बाबा के अवतार है। तो हमने वहां जाके भजन पूजा अटेंड करनी शुरू कर दी भजन शुरू कर दिए और 75 में फिर 50th बर्थडे आ गया तो नागपुर की तरफ से महाराष्ट्र की तरफ से मैं सेवा दल में पुट्टपर्ती गया पहली बार वहां पर 50th बर्थडे में। तो वहां पर मुझे अगले रोज सुबह मुझे ब्रूम दे दिया गया गोकुलम से लेके गोकुलम तक आपने सड़क साफ करनी है आधी सड़क मुझे साफ करनी है आधी दूसरा आदमी सेवा दल था उसने साफ करनी है। तो हमने सबको सड़क रोज साफ करते थे। तो उस वक्त में 10 बजे लंच का टाइम सुबह 10 बजे लंच हो जाता था नहा धो के 10 बजे हम खाना खा के एकदम से फिर हम सो जाते थे। इतनी भीड़ होती थी कि हम लॉन में बिल्कुल सड़क के ऊपर ही बाहर ओपन में सो जाते थे। तो एक दिन मैं सोया हुआ था खाना खाने के बाद में तो एक आदमी एक हमारा सेवा तो में से कोई आया कि स्वामी शर्मा जी उठो उठो स्वामी आपसे बहुत प्रसन्न हुए हैं और आपकी सेवा से और स्वामी ने आपको एप्पल दिया खाने के लिए उठो ये खाओ। तो आधा एप्पल था आधा एप्पल मैंने लिया और खाया उसका जो टेस्ट था स्वाद था सोते सोते ही खाया मैंने आँख नहीं खोली और जो स्वाद वो उसका जो आधा एप्पल का जो स्वाद था वो इतना मीठा इतना स्वादिष्ट था इतना मधुर था वो ऐसा मेरे को अभी तक वो स्वाद अभी तक मैं भूला नहीं हूँ। तो ये 95 में मैंने सेवा की उसके बाद आई वॉज ट्रांसफर टू नागपुर फ्रॉम नागपुर आई वॉज ट्रांसफर टू कटक इन उड़ीसा। उड़ीसा में 76 में मैं उड़ीसा पहुंच गया और 77 में बाबा ने मैं हम वहां पर एक भजन में जाया करते थे वहां पर भी थर्सडे को भजन होता था सिर्फ एक जगह वहां पर 150-200 आल की गैदरिंग होती थी एवरी थर्सडे को। वहां पर एक दिन लोगों ने मुझे बोला मिस्टर शर्मा व्हाट इज योर फुल नेम मैंने बोला माय नेम इज एलन शर्मा क्या बात है कि नहीं नहीं मिस्टर पंडा जो स्टेट प्रेसिडेंट है उनको स्वामी ने बोला है कि देयर इज वन मिस्टर शर्मा इंजीनियर यू पुट हिम एज एग्जीक्यूटिव एसोसिएट मेंबर ऑफ कटक समिति। तो तब से मैं पदाधिकारी कुछ न कुछ समिति का कुछ न कुछ बोलता चला आ रहा हूँ तभी से जब से स्वामी हैज अपॉइंटेड मी एज समिति एग्जीक्यूटिव फ्रॉम दैट टाइम तभी से मैं बोलता चला आ रहा हूँ। ये स्वामी की कृपा है ये स्वामी की उपलब्धि है मेरा इसमें कुछ नहीं है। उसके बाद में मैं फिर दिल्ली आ गया ट्रांसफर होते होते 95 आ गया 95 में मैं फिर सेवा में 95 में गया और 95 में उस वक्त मिस्टर जावा मिस्टर शर्मा रमेश सानी इनके ग्रुप के साथ में मैंने वहां पर बाबा के बर्थडे पर 70th बर्थडे पर 95 मैंने सेवा की और वहां पर मेरी वाइफ भी गई वहां पर। तो मेरी दो बीमारियां थी थायराइड और गायनिक की बहुत क्रोनिकल डिजीज थी वो ठीक नहीं हो पा रही थी तो भाई एक दिन मेरी ये दोनों बीमारियां खत्म हो गई मैं बिल्कुल मेरे को बिल्कुल ठीक लग रहा है। तो स्वामी की कृपा हो गई सेवा करने से ये दोनों बीमारियां ठीक हो गई तब से हमको पता लगा कि भाई सेवा करनी चाहिए। और उसके बाद में करीब करीब हर साल कभी मिस हो जाता है लेकिन हर साल हम सेवा करने के लिए मैं जरूर जाता हूँ वहां पर पुट्टपर्ती में और ऑफिस वाले भी इतने खुश हुए कि वो भी ये बोलते थे कि आप सर आप सेवा करने के लिए कब जा रहे हैं बहुत जाइए। तो सेवा का जो फल है
वो पूजा से भी बहुत अच्छा है, सेवा लविंगली और बिल्कुल निस्वार्थ भाव से करे और मन से करे, पूरे दिल से करे, वो सेवा होनी चाहिए। ऐसी सेवा की जरूरत है, उसका बहुत फल मिलता है। कठोपनिषद में भी लिखा है कि खूब सेवा करनी चाहिए। उसकी एक हमारे घर की एक एग्जांपल है कि मेरा ग्रैंडसन सिक्स क्लास में पढ़ता था, तो हमारी वाइफ ने उसको बताया कि स्वामी हरेक की बात सुनते हैं और हरेक उनको हरेक की आवाज सुनाई पड़ती है। तो उसने बोला कि ये कैसे हो सकता है कि नहीं, आपके हरेक की मन की बात उनको पता लग जाती है। तो हिमा से चाइल्ड स्टडी सिक्स क्लास, तो उसका जो म्यूजिक टीचर था वो थोड़ा हार्श था, तो उसने अपने मन में सोचा, उसने बताया बाद में कि उसका वो जो टीचर था वो बड़ा हार्श था, कि उसने बोला कि स्वामी जो आप मेरी बात सुनते हैं तो ये क्लास में अगली क्लास में जो टीचर नहीं आएगा, वन से भी वो आता था वो नहीं आया। तो उसने सोचा कि तो इंसिडेंटली भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं स्वामी ने किया। फिर उसने अगली बार सोचा, फिर अगली बार फिर वो नहीं आया, तो उसको ये विश्वास हो गया कि हाँ साईं बाबा ने किया है। तो साईं बाबा इससे पता लगता है कि साईं बाबा हरेक की बात सुनते, आपके मन में भी जो बात आती है, जो आप बोलते हैं, जो करते हैं, सब स्वामी को मालूम है। जो आगे भी जो है, जो पीछे भी जो हो रहा है वो स्वामी उसको, पीछे भी आपके पीछे जो हो रहा है उसका भी स्वामी को मालूम है। और स्वामी ने जो वाटर सप्लाई के वो प्रोजेक्ट किया, सेवा के लिए किया, तो उसे भी यूथ को ये प्रेरणा मिलनी चाहिए कि स्वामी ने कितने बड़े बड़े भले भले काम किए हैं। इससे सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। और जो पूजा से और सेवा जो है, इट इज मिनिमम 20 times मोर बेटर, और इसका फल बहुत बड़ा है, बहुत गुना बहुत अच्छा है। मेरी सबसे प्रार्थना है, सेवा करो, मन से करो, अच्छी तरह से करो, और भगवान में लीन हो जाओ, भगवान का ध्यान करो, मन से करो, लविंगली करो, गॉडली होकर करो। भगवान जो बोलते हैं कि समस्त लोग सुखिनो भवन्तु, हेल्प एवर हर्ट नेवर, ये सब चीजें जो भगवान ने बोली हैं वो बहुत ही कीमती हैं, उन पे हमें अमल करना चाहिए और चलना चाहिए उनके ऊपर। जय साईं राम। दोस्तों, संत कबीर कहते हैं कि सुख दुख सिर ऊपर सहे, कब हूं न छोड़े संग, रंग न लागे और का, व्यापे सतगुरु रंग। तो आइए चलते हैं दिल्ली NCR के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की समिति C4 और मिलते हैं ऐसे ही साईं के रंग में रंगी एक और साईं सेवक से, जिनका नाम है श्री PK खंडेलवाल। खंडेलवाल जी एयर इंडिया में कार्यरत रहे और वहीं से सेवानिवृत्त हुए। सन 1973 में वो स्वामी के फोल्ड में आए और वे समिति C4 के कन्वीनर भी। आइए तो मुलाकात करते हैं श्री PK खंडेलवाल जी से और सुनते हैं उनके अनुभव। भगवान श्री सत्य साई बाबा जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम व समस्त भाई बहनों को साई राम। मैं 1974 में स्वामी के फोल्ड में आया। मेरे एक फ्रेंड मुझे भजनों में व साई एक्टिविटीज में ले जाते थे, मिश्रा जी। उन दिनों ओवरनाइट कैंप हुआ करते थे, मेजर भारद्वाज स्टेट कोऑर्डिनेटर थे, वो उन्होंने बाबा को दिल्ली में इंट्रोड्यूस कराने में बहुत एफर्ट्स किए, ओवरनाइट कैंप्स लगाए, वे विलेजेस में बहुत रथ यात्राएं निकाली। इन वजहों से मेरे हृदय ने पूरी तरह से बाबा को भगवान के रूप में स्वीकार कर लिया। स्वामी सर्वव्यापी, सर्वंतर्यामी, सर्वशक्तिमान हैं। मैं समय अभाव के कारण पूरी सेवा अटेंड नहीं कर सकता था, असमर्थ था।
पर लगातार सेवा में पुटापर्ती जाता था। मुझे स्वामी ने भिन्न भिन्न की पोस्ट पर लगातार कई दशक तक पर्ती में सेवा के अवसर दिए। साथ ही मेरी पत्नी को भी साउथ इंडियन कैंटीन में वर्षों तक सेवा का अवसर दिया। 60वीं वर्षगांठ पर भगवान बाबा ने हमें सभी मेंबर्स को सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के 5-6 मेंबर्स को सेवा का अवसर दिया साउथ इंडियन कैंटीन से और डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट तक हम ठेले से राइस कर्ड राइस और लेमन राइस के जॉइंट साइज के भगोनों में फूड स्टफ लेकर जाते थे। मैं ठेले में आगे गले में पट्टा डाल के चलाता था और पीछे मिस्टर सुब्रमण्यम दीनानाथ जी गुप्ता जी घड़ी वाले और दो जने पुश करते थे उसे और डिस्टेंस वाज अबाउट 1 किलोमीटर। तो हम उस ठेले पर वो सामान वहां ले जाते थे। 60वीं वर्षगांठ पर लाखों लोग वहां पर इकट्ठे थे, उनके लिए खाना हमें वहां ले जाना होता था, हम ले जाते थे और भगवान बाबा की कृपा से हमने उस साल सेवा को बहुत बेहतरीन तरीके से सरंजाम किया। साथ ही बाबा के दर्शन हुआ करते थे। जब बाबा स्टेडियम जाते थे या बाहर जाते थे तो हम लोगों को भगवान के दर्शन भी हो जाया करते थे। इसी दौरान मेरी बेटी की शादी आज से 27 साल पहले तय हो गई। जब शादी तय हो गई तो मेरे पास ना मैन पावर थी ना धन था। मैं रोज बाबा से प्रे किया करता था कि भगवान आप शादी में आना, शिरडी बाबा को भी साथ लाना और सेवा दल के साथ आकर मेरा इस कार्य को पूर्ण करना। मैं रोज भगवान से प्रेयर किया करता था और ऐसा मेरे कल हुआ कि शादी के दिन जब बारात खाना खा रही थी तो मिस्टर के माथुर जो पहाड़गंज से थे उनके बेटे ने कहा कि अभी अभी शिरडी बाबा किचन में गए हैं। उसने शिरडी बाबा को साक्षात रूप से देखा और सबको बताया कि भगवान शिरडी बाबा अभी अभी अंदर गए हैं। वो शादी बहुत बेहतरीन तरीके से हुई। उसके बाद अप्रैल 16 में हमारा एक एक्सीडेंट हुआ गीता कॉलोनी में। मैं और मेरी वाइफ हम 2-व्हीलर पर थे, एक कार वाले ने हमको हिट किया, बहुत तेजी से हमको हिट किया और घसीटा। मैं स्कूटर से गिर पड़ा, मेरी वाइफ भी गिर पड़ी और वो गिरने के साथ पहले जब मैं उठा तो मैं अंगूठे से लेकर सिर तक मेरे घसीटने से खरोंचे आई हुई थी, खून बह रहा था। हमें न मालूम कैसे दो सरदार वहां कूद कर आए। उस रोड पर पैदल लोग नहीं चलते हैं। जब वो कूद कर आए उन्होंने गाड़ी वाले को रोका, हमें उठाया। जब मैंने उठा तो मैंने देखा मेरी वाइफ बहुत दूर, कम से कम 5 मीटर दूर पड़ी हुई है, उनकी बॉडी में कोई हलचल नहीं है। इट वॉज लाइक ए स्केल्टन डेड बॉडी। मैंने उन दोनों यंग सरदारों से कहा कि वो मेरी वाइफ है, उसको उठाओ। जब उन्होंने उसे उठाया तो सिर से इतनी ब्लीडिंग हुई कि उन दोनों के कपड़े खून से लथपथ हो गए। उन दोनों सरदारों ने उस गाड़ी वाले को रोक लिया, उसको कहा इनको हॉस्पिटल लेके जाओ और हमारे स्कूटर के हमने चाबी दे दी। वाइफ का पर्स उनके पास था,
जिसमें अंगूठी चेन वगैरह सब थी। हम वहां से इरविन हॉस्पिटल पहुंचे, वहां पर जब हम गए इमरजेंसी से हमको ऊपर भेज दिया गया। वाइफ को बहुत जबरदस्त ब्लीडिंग हो रही थी, सिर का बीच का हिस्सा फट गया था। उन्होंने बहुत ज्यादा समय लगाया और सीटी स्कैन किया। सीटी स्कैन के बाद 2 घंटे तक उन्होंने बैठाए रखा, ब्लीडिंग होती रही। और मैं जब परेशान और थक गया तो मैंने भगवान को पुकारा, मैंने एक भजन गाया जोर जोर से कि स्वामी आपको आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, स्वामी आना ही पड़ेगा, मेरी वाइफ को बचाना ही पड़ेगा। काशी से आओ या अयोध्या से आओ, मथुरा से आओ या अयोध्या से आओ, काशी से आओ या काबा से आओ, बाबा जल्दी आना पड़ेगा, आपको जल्दी आना पड़ेगा। मेरी आवाज सुनकर वो सीटी स्कैन वाला आया, उसने, हमारी कोशिश ये थी कि इनको स्टिचेस लगा दिए जाएं क्योंकि बहुत प्रोफ्यूज्ड ब्लीडिंग हो रही थी और ये वैसे भी बहुत वीक हैं, सब जानते हैं इनकी बॉडी में ज्यादा ताकत नहीं है। और उतनी ब्लीडिंग के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये एक्सेस ब्लीडिंग में ही दम तोड़ देंगी। जब मैंने बाबा को पुकारा तो बाबा ने ऐसा मिरेकल किया कि उन लोगों ने जो मदद नहीं कर रहे थे सरकारी हॉस्पिटल में, जो स्टिचेस लगाने के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे, वो उसने स्टिचेस लगा दिए। और स्टिचेस लगाने के बाद मैंने उनसे कहा कि आई वुड लाइक टू टेक माय वाइफ टू सम अदर हॉस्पिटल, सम प्राइवेट हॉस्पिटल। दे मेड द अरेंजमेंट्स फॉर स्ट्रेचर एंड डिप्लॉयड ए वार्ड बॉय टू टेक माई वाइफ टू ग्राउंड स्टेशन, ग्राउंड फ्लोर वेयर द कार वॉज पार्क्ड, एंड वी वर टेकन टू बी एल कपूर हॉस्पिटल। माई डॉटर इन लॉ हु रिक्वेस्टेड डायरेक्टर मेडिकल एयर इंडिया टू make arrangements for her treatment, so they were there to take her to the emergency ward ICU section. She was taken there and she was there for 15 days in ICU. Whosoever has visited, every devotee, they were so much shocked to note that Rama may not survive, but it was only Baba Bhagwan who managed her survival, and she was brought to home after 2 weeks. And she, during that period, she lost her voice, her eyesight, sunna, samajna, सब कुछ खत्म हो चुका था। इनको घर लाया गया, सारे डिवोटीज इनको देखने आए और उन्होंने ये पाया कि पता नहीं ये कैसे ठीक होंगी, होंगी भी कि नहीं होंगी, लेकिन वेरी सून 2-3 महीने के अंदर अंदर ये ठीक हो गई। मैं इनको साइंस सेंटर ले गया, वहाँ इनकी इच्छा थी कि मैं भगवान बाबा के चरणों में शीश दबाऊं, उनका धन्यवाद करूं। हम दोनों ने धन्यवाद किया और हम आ गए। इसी दौरान फिर 2 साल बाद फिर एक एक्सीडेंट हुआ। मैं अपनी मदर इन लॉ को देखने राजस्थान जा रहा था, तो वहां अलवर से जब हम बस से चले गांव के लिए तो बस पलट गई और वो खेतों में जा पड़ी। मैं और वाइफ सबसे आगे बैठे थे, तो वाइफ तो ठीक थी लेकिन मैं विंडो स्क्रीन के साथ गिरा पड़ा था। मेरे ऊपर से लोग निकल रहे थे और उस बस में बहुत कैजुअलिटीज हुई थी। मुझे भी
मेरा एक कान सारा फट गया था, इससे ब्लीडिंग हो रही थी। वहां से मैं बाहर आया, जब हम सड़क पे पहुंचे तो भगवान बाबा की कृपा से ऐसा मिरेकल हुआ, सामने से एक कार मुझे आती दिखी। मैंने उनसे लिफ्ट मांगी और उनसे कहा कि मेरे बहुत ब्लीडिंग हो रही है, मुझे किसी भी नियरेस्ट हॉस्पिटल में पहुंचा दिया जाए। उन्होंने इंक्वायरी की, आप कहाँ से हैं? दिल्ली से हैं, यहाँ कैसे आए? मैंने बताया कि मैं अपने मदर इन लॉ को देखने जा रहा था, तो ये बस पलट गई। वहाँ से जब हॉस्पिटल पहुँचे तो हॉस्पिटल वालों ने एक घंटे तक बैठा के ब्लीडिंग होती रही और भगवान को मैं याद करता रहा, पुकारता रहा, बुलाता रहा। स्वामी ने फिर मिरेकल किया कि जो कैजुअलिटीज को देख के इमरजेंसी, जो बहुत इमरजेंट केसेस थे, उनको हैंडल करने के बाद डॉक्टर मेरे पास आया, मेरे कान को देखा, बोला ये तो बहुत बैड कंडीशन में है, सारा कट फट गया है, इसकी तो प्लास्टिक सर्जरी होगी, आप या दिल्ली जाएं या जयपुर जाएं, वहीं आपका इलाज हो पाएगा। तो मैंने उससे रिक्वेस्ट की और भगवान से रिक्वेस्ट की कि दिल्ली पहुंचने तक जितना समय लगेगा उतनी देर तक ब्लीडिंग होती रहेगी, व्हाट विल बी द अल्टीमेट फेट ऑफ माय बॉडी। स्वामी ने, उस डॉक्टर ने कहा मैं आपको ऐसी बैंडेज कर दूंगा कि एक ड्रॉप ब्लड भी नहीं जाएगी दिल्ली पहुंचने तक। मेरे बच्चे मुझे लेने आ गए वहां और वो मुझे बीएल कपूर हॉस्पिटल ले गए। जब बीएल कपूर हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कान की बैंडेज खोली तो उसने पाया कि एक ड्रॉप खून भी नहीं बह रहा था और वहां पर मुझे स्टिचेस लगे। स्टिचेस लगने के बाद कान को जोड़ा गया और मुझे दो घंटे के बाद, उसके एफर्ट्स के बाद मुझे छुट्टी दे दी गई। उन्होंने मुझसे कहा कि आप जा सकते हैं, आप हर दो तीन चार दिन बाद स्टिचेस कटवाने आपको आना पड़ेगा। तो जब मैं फाइनल स्टिचेस कटवा रहा था तो सडनली मेरे हार्ट ने काम करना बंद कर दिया, बीपी खत्म हो गया, मेरी नब्ज खत्म हो गई। मुझे डॉक्टरों ने अलार्म रेज किया, बीएल कपूर के हॉस्पिटल में अलार्म रेज किया गया, सारे डॉक्टर इकट्ठे हो गए, सारे स्टाफ वहां आ गए, मुझे उल्टा दोनों हाथों से ऐसे लटका दिया गया और आई लॉस्ट माई मेमोरी, एवरीथिंग वॉज लॉस्ट। फिर किसी तरह से जंपिंग, पंपिंग, थम्पिंग करने के बाद मेरी बॉडी में सांसें आई और बॉडी ने रिएक्ट करना शुरू किया। तब भगवान बाबा ने फिर मेरे प्राणों की रक्षा की, हम दोनों के प्राणों की रक्षा भगवान ने दो बार की। हमारे पास शब्द ही नहीं है भगवान का ग्रेटिट्यूड करने के लिए। और एक मिरेकल भगवान ने ये किया कि मेरी बेटी की शादी में, शादी के बाद मैं भगवान का थैंक्स करने जब वृंदावन गया तो वृंदावन में मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मैं रात की फ्लाइट से आया हूँ और शाम की फ्लाइट से मुझे वापस दिल्ली जाना है, मुझे ऐसी जगह प्लेस कर दिया जाए जहाँ से मैं बाबा का क्लोज ग्लिम्प्स देख सकूँ। उन्होंने मुझे फर्स्ट रो में, बिल्कुल जहाँ से गेट खुलता था वृंदावन में, जहाँ से भगवान निकल के आते थे, वहाँ पर बैठा दिया। जब स्वामी गेट खुला तो मैं क्या पाता हूँ कि स्वामी ने मुझे ढूंढा कि मैं कहाँ बैठा हूँ। स्ट्रेट अवे ही केम डाउन टू मी और मेरे पास आके, जो मैंने एक प्लेट में चॉकलेट्स रखी हुई थी वो बाबा को ऑफर की, बाबा ने वो बांट दी और मुझे विभूति क्रिएट करके दी। साथ ही मुझे बोले चरण स्पर्श करो, मैंने बाबा का पाद नमस्कार किया। वहां पर उस समय आईएएस राधा कृष्णन जी पहाड़गंज से और राम कृष्ण अवतार जी जो वहां के कन्वीनर थे वो मेरे साथ थे। उन्होंने मेरे साथ भगवान के दर्शन किए, वो मेरे साथ बैठे थे। भगवान को हमने बहुत आभार व्यक्त किया और
मैं उनका धन्यवाद करके आ गया। मेरी वाइफ मेरे साथ थी, वो दूर बैठी थी, उनको भी दिल्ली की किसी लेडी ने बताया कि भगवान स्ट्रेट अवे आपके हस्बैंड के पास गए हैं और उनसे बात कर रहे हैं। तो बाबा का धन्यवाद करते हुए, हमारे पास शब्द ही नहीं है बाबा ने हम पर कितनी कृपाएं की हैं, कितने मिरेकल्स किए हैं। मेरी सर्विस में, मेरी पब्लिक डीलिंग, मैं आई वाज एक्सपोज टू जनरल पब्लिक एट द एयरपोर्ट टर्मिनल 3 फॉर 15 इयर्स। उस दौरान बहुत सारी घटनाएं, दुर्घटनाएं हुई, पैसेंजरों से पैसेंजर्स थ्रेटन करते थे कि तुम्हारी, तुम नौकरी पर शाम तक नहीं रहोगे, लेकिन भगवान बाबा ने मुझे हमेशा मेरा रेस्क्यू किया। इसी दौरान मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि मैं कंचनजंगा बिल्डिंग में मेरी पोस्टिंग रही, पीटीआई बिल्डिंग में मेरी पोस्टिंग रही, डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर मेरी पोस्टिंग रही, टर्मिनल 3 पर मेरी पोस्टिंग रही। मैं जहाँ जहाँ भी गया मैंने भगवान के फोटो वहाँ पर सब जगह प्लेस किए, लेकिन मुझसे किसी ने आज दिन तक ये नहीं पूछा कि तुमने ये फोटो क्यों लगाए, या वहाँ ये इंक्वायरी नहीं की गई ये फोटो कौन लगाता है, क्यों लगाता है, कब लगाता है, कैसे लगाता है, किससे पूछकर लगाता है। इट वॉज नेवर आस्क्ड फ्रॉम मी। ये भी भगवान बाबा की लीला और कृपा का ही फल था कि भगवान बाबा को मैं जहां जहां गया अपने साथ स्वामी को लेता गया और स्वामी को वहां विद्यमान किया। और मैं इन शब्दों के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूं। मैं स्वामी का जितना, हम दोनों स्वामी के जितने भी धन्यवाद करें, हमारे पास शब्द नहीं है। हम यही चाहते हैं कि स्वामी अपने चरणों में हमें लगाए रखें, सेवा के अवसर देते रहें और समस्त लोका सुखिनो भवंतु, इस पर भगवान बाबा सारे संसार में, सारे संसार के जीवों को, प्राणियों को रक्षा उनकी करते रहें। और एक साल ये 2020 में जो कोरोना आया उसमें मेरी मान्यता ये है कि भगवान बाबा ने अपने डिवोटीज को प्रोटेक्ट किया, उनका बचाव किया, उनकी रक्षा की। और यही मेरी सबसे प्रार्थना है कि भगवान को निरंतर उनका नाम स्मरण करते रहें, सेवा करते रहें, क्योंकि मानव सेवा ही माधव सेवा है। किसी को हर्ट ना करें, हेल्प एवर हर्ट नेवर पर अमल करें और अपने जीवन को सुख शांति से व्यतीत करें, बाबा के चरणों में लगे रहें, नाम स्मरण करते रहें। धन्यवाद। साईं राम। आइए दोस्तों, तो अब आगे चलते हैं और चलते हैं दिल्ली एनसीआर के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की समिति C6 और मिलते हैं हमारे अगले साईं सेवक से, जिनका नाम है श्री पुनीत आनंद। श्री पुनीत आनंद समिति C6 के समिति कन्वीनर और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के भजन इंचार्ज भी हैं। वो पेशे से एक बिजनेसमैन हैं और 41 वर्ष पूर्व स्वामी के फोल्ड में आए। आइए तो मुलाकात करते हैं श्री पुनीत आनंद जी से और सुनते हैं उनके अनुभव। ओम श्री साई राम। माई मोस्ट लविंग प्रणाम्स एट द लोटस फीट ऑफ माई डिवाइन मास्टर भगवान श्री सत्य साई बाबा। Loving Sairam to all of you. My journey with Bhagwan started at the age of 14. Late Shrimati Sarla Sikka one day comes to a house and invites my mother to these divine bhajans. My mother requested me to accompany her. And when I went there, I just fell in love with the beautiful music I heard. And of course the miracles where I would get to see flowers falling, garlands breaking into two all of a sudden, then vibhuti materializing, sometimes amrit. And there was an incident once where I saw in one bhajan mangoes were cut and kept as
prasadam to be served later with a cloth covering it. And after the bhajan finished, they brought that plate out to serve us all with the prasad. And to our surprise, we saw Bhagwan's impression of his teeth. Unke daanton ke chinh mangoes mein. और वो प्रसाद हम लोग सब ने ग्रहण किया. तो ये सब चीज़ें मेरे मन में ऐसा डीप इम्पैक्ट क्रिएट कर दिया कि मुझे कभी उसके बाद ज़रूरत ही नहीं पड़ी किसी और दरबार पे माथा टेकने की. मेरे भगवान मुझे मिल गए और मेरे साथ 14 साल तक, बिफोर आई एक्चुअली मेट हिम फिजिकली, ही यूज्ड टू डू लॉट ऑफ मिरेकल्स. यूज्ड टू कम इन माई ड्रीम, गिव मी आंसर्स टू ऑल माई क्वेरीज. वन डे इट वॉज सो रियल दैट ही सेज आई हैव टू गो. द होल नाइट आई वॉज स्पेंडिंग विद हिम एंड ही सेड आई हैव टू गो नाउ, इट्स 5 o'clock इन द मॉर्निंग, आई हैव टू गिव दर्शन्स. एंड ही जस्ट वेंट, disappeared, and I just woke up. I used to wear a watch on my wrist in those days, and when I saw the time, it was exactly 5 o'clock. So those dreams that we get of Swami are so real. They're not dreams. He actually comes in. Moving on, after 14 years, I was of the age where my parents wanted to get me settled. And I got a proposal from a family, very blessed family of Sai Vane's organization. They were fortunate to have a lot of physical closeness of Bhagwan. And they requested me to accompany them for approval from the Lord for our marriage. And I took that as a great opportunity to have my first experience with the Lord physically. So Bhagwan, on reaching, we got line one, and the Swami came and smilingly he gave me his blessings, materialized a lot of vibhuti. My hands were trembling since I was seeing first time Bhagwan, talking to him. It was an experience I can never forget. Then very next day, he tells my father-in-law, son-in-law, kya karta? So he gave his approval. He already made me my father-in-law, his son-in-law. So the approval was given to us for the marriage. And he said, jaldi karo. Then as soon as we got married, we were fortunate enough to be called by Bhagwan. And my immediate family accompanied with me, my parents, my sister, along with my in-laws. Bhagwan, I would like to mention here that Bhagwan, when he says something, we should follow. My mother, unfortunately, lived only for a year after this beautiful interview. That was her first and last interview. And Bhagwan did mention to her that you don't give up your medication, no matter what. Which unfortunately she did without telling us, and we lost her to this dreadful disease of diabetes. This was very shocking for me, and I became quite unwell. And फिर भगवान की शरण में जाना पड़ा. And जैसे हमारे भगवान करुणा के सागर हैं, साईं माँ ने मेरे को बहुत प्यार दिया. 20-21 दिन मैं भगवान से कोशिश कर रहा था कि मैं भगवान से इंटरव्यू के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है भगवान, मेरी तबीयत ठीक नहीं है. और भगवान आते, स्माइल करते और मुझे पाद नमस्कार देते. और एक ही बात करते थे कि सन का क्या नाम. पहले उन्होंने पूछा सन चाहिए कि डॉटर. मैंने कहा भगवान इंटरव्यू चाहिए.
And he says, next time he again comes and he again, I was so blessed, I was getting line one every now and then, morning, evening. So morning, evening, he was curing me by giving a lot of Pad Namaskar. And he was making conversation about my son. And he says, son, aane se sab theek hota. Eventually, we got the interview and Bhagwan cured me. And he says, aaj se ye theek rahega. And he says, son, lao. Aur jab wo do mahine ka hota, to mere paas leke aana. So, we were blessed with this child, Saitej. We wanted Bhagwan to name him. So, when we requested Swami, when we took our son, he was 2 months, we requested Bhagwan for his name. And something very vital he said, which, you know, again had a very deep impact in my life. And it's like a guru mantra. He said, Gun mangu, naam mein kya hai? Which I personally feel that has so much depth in it. Ke eventually, the outer is not important. It's the inside the Lord is concerned with. So we have to strive every time to improve ourselves as to please the Lord. Thereon, on his first year of birth, you know, we went down to celebrate his first year birthday. He then mentions about my daughter and he says, ab girl leke aao. So we were blessed with my daughter after about 1.5 years, where again he was gracious enough to bless her, but not this time, it was all outside. We were finding this, we were unable to understand. He materialized a lot of vibhuti and then he was putting that vibhuti on her head. And we were not understanding because this was something we had never witnessed. So on coming back, we saw that how the Lord Almighty protects without you asking. My wife Shibani slipped 6 stairs down with this baby in hand and she flung out of her arms, falling some 4 or 5 feet away from Shibani. Shibani even broke her leg. So you can imagine the impact. This baby is lying absolutely still, not crying. There was no mark of injury. And as you must have seen her, she sings now. So, you know, that protection he gave without us asking or realizing or expecting. Bhagwan does so many things for us without us even knowing. That's the beauty and humility of the Lord Almighty. The second miracle that happened with my son is when, you know, he was about 5 or 6 years of age or 7 years of age. While we were going to Puttaparthi, he developed very high fever. And Bhagwan in those days was in Whitefields. So we were staying in Bangalore and I took him for checkup to Manipal, where they got very concerned and they ran some few tests and they were upset and they wanted me to admit my son to the hospital for further tests and checkups. And he was unable to walk. So with all those reports, I sat down and I was fortunate enough to get one, line one again. Bhagwan came to me and I was crying and I gave those reports to Bhagwan. He heard the whole diagnosis and prognosis the doctors had been talking and mentioning to me. Very patiently Bhagwan stood and heard. And then he blesses me and he says, you don't worry, I'll bless him.
Then he goes, you know, after giving, taking a whole round, he goes to the lady's side and he goes and blesses my son. Then he moves on to Puttaparthi, and there again we were fortunate enough to get line one, and my father-in-law, me and my son were all sitting in one line next to the path. Bhagwan comes and asks, how's he? He was better. So I mentioned to him, I said, Swami, he's better. Then he says, better, better, better. And he materialized a lot of vibhuti for him that I gave to him. By the time we were leaving, the miracle is that he was absolutely normal and he was running around. So when we reached Delhi, our family doctor ran all those tests again just to be sure, because he said those tests were scary. And our faith is on one side and I must run these tests for my assurance. So I said, do it. And they all came out to be normal. So what is interesting is that God loves you and He expects nothing but love and honesty from you. I would end my talk with one very special incident where I was sitting with Bhagwan. Me and Shivani, my wife, both were sitting, and he was talking about his students. And you know, it just crossed my mind that me and Shivani both are not his students. I wish if he could roll back time, we would be his students. We could have studied here. Yeah, of course, it's a privilege to be one. And immediately looks at me and he says, just because you have not studied here doesn't mean you are not my student. It's the way you conduct yourself. It's the way you behave. That is what makes you my student. So Bhagwan expects one type of life from us, not two kinds. There can't be a lot of people sometimes, you know, they feel that we should keep our spiritual life separate from our worldly life. There's only one life, and that is owned by the Lord Almighty. If you really want to connect with the Lord, in my experience, I feel that the only way we can do is be honest, be humble, be loving. With that note, thank you so much for listening to me. Jai Sairam. दोस्तों, एक सच्चे सेवक की पहचान उसकी विनम्रता और सेवा भाव से की जाती है। संत कबीर कहते हैं कि दास कहावन कठिन है, मैं दासन का दास, अब तो ऐसा होए रहूं पांव तले की घास। तो आइए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं दिल्ली एनसीआर की सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की समिति C1 और मिलते हैं अपने अगले साईं सेवक से। इनका नाम है श्री वी रामाराजू। श्री वी रामाराजू बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में जॉइंट डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। यूं तो श्री रामाराजू एक साईं परिवार से बिलोंग करते हैं। इनको स्वामी के पहले दर्शन 1985 में हुए और ये सेवा में कार्यरत हैं। आइए तो मुलाकात करते हैं श्री वी रामाराजू जी से और सुनते हैं उनके अनुभव। और हाँ, श्री वी रामाराजू सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की समिति C1 के समिति कन्वीनर भी हैं। आइए तो श्री वी रामाराजू से मुलाकात करें। సాయిరామ్ స్వామి దివ్యమైన పాద పదము శతకోటి హృదయపూర్వక సాష్టాంగ నమస్కారం చేసి చేయించు ప్రార్థించుకుంటున్నాను. సాయిరామ్, ఐఎమ్ రామరాజు, ఐ బిలాంగ్ టు విశాఖపట్నం, ఆంధ్రప్రదేశ్. ప్రజెంట్లీ ఐఎమ్ సర్వింగ్ ఇన్ బోర్డర్ రోడ్ ఆర్గనైజేషన్ యాజ్ జాయింట్ డైరెక్టర్. సాయిరామ్, స్వామి కా బారేమే జో जो घटना है स्वामी के साथ में, जो हम रहा, जो इंसिडेंट्स
आपका साथ में मैं शेयर करना चाहता है। स्वामी बहुत ये बड़ा इन्फिनिटी है, उनका बारे में हम बताना बहुत छोटा होता है, फिर भी हम जो ही हमारे साथ में जो इंसिडेंट्स हैं आप लोगों के साथ में मैं शेयर करना चाहता है। फ्रॉम 1956 माई पेरेंट्स वर डिवोटीज ऑफ भगवान स्वामी, सो ड्यू टू दैट कॉजेस उसी का दौरान में मैं हमारा फैमिली पूरा स्वामी का पूजा करना, हम कैसा राम को, सेवा को, कृष्णा को, बालाजी को कैसा हम पूजा करते हैं, स्वामी फोटो भी हमारा पूजा मंदिर में रखे, हम पूजा करना हमारा शुरुआत से बच्चों टाइम से हमका आदत है। सो उसी के अनुसार हम स्वामी का पूजा हमेशा कहाँ भी रहो स्वामी का पूजा करता था। मैं इंजीनियरिंग पढ़ने टाइम में तो मेरा दोस्त और मैं ये स्पिरिचुअल के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में हम ज्यादा बात करता था। एक बार क्या हो गया, एक उसी हम लोगों जो जागे में रहा एक सन्यासी एक स्वामी जी आके आपको भगवान को दिखाएंगे, आ जाओ आप लोगों, आपको आप लोगों को भगवान को दिखाएंगे। हम सोचे थे भगवान को दिखाएगा, अरे भगवान कैसा होता है क्या है, हम भी बहुत ईगरली हम इतना इंटरेस्ट से तो हम क्या कि हम भगवान को देख ले, हम दोनों सोचा था हम गया था। उसका बाद उधर जाने के बाद नॉर्मली हम लोग कैसा भाषण देता है, ऐसा एक दो कुछ भाषण दिया था, उसका बाद में कुछ डांस वगैरह कुछ किया था, देन बाद में फूड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया था, देन बस हो गया। हम सोचे थे कि आप लोग भगवान को देखा है, बोले क्या है, अरे ये है भगवान यही है, वो ऐसे से बोला था। देन हम लोग क्या ऐसा है सोच के हम घर में वापस आ गया था, आप बिलीव नहीं करेगा आप लोगों, द नेक्स्ट डे आई गॉट, मेरे को इतना सडनली दिमाग में आया था, मेरे दिल में ऐसा आ गया था मैं पुटपर्ती जाना है, अचानक मेरे को इतना स्ट्रांग ये हो गया था मैं पुटपर्ती जाना है। तो बाद में मैं एक दो दिन में तैयार होके, आप लोगों को मालूम है स्वामी बेंगलुरु में रहता है, सो उस टाइम मैं धारवाड़ में इंजीनियरिंग पढ़ता था, सो बेंगलुरु में स्वामी रहता है, देन मैं सीधा बेंगलुरु चला गया। बेंगलुरु में मेरा कजिन्स रहता था, सो उनको पास गया था, सो वो लोग बोला स्वामी कल पुटपर्ती चला गया। मैं सोचे नहीं हम अभी फिर भी हम पुटपर्ती जाएगा। देखो ये विचार है आप लोगों को सोचिए, मतलब मैं भगवान जाने देखने का हम लोगों मैं और मेरे दोस्त गया था, मतलब कुछ भी नहीं, नॉर्मली एक भाषण कृष्ण दिया ध्यान किस करके और फूड डिस्ट्रीब्यूट करके वो हो गया, बट मेरे को मन में आया था नेक्स्ट डे आप देख लिए भगवान को देखना चाहते हैं ना, स्वामी मेरे को बुलाया था आ जाओ पट भरते मेरे को मेरा दर्शन ले लो, मैं ही भगवान है, स्वामी मेरे को एक निदर्शन दिखाया था। देन उसी टाइम से मैं आप विश्वास नहीं करेंगे मैं कितना बार पटपर्ती गया था, कितना बार स्वामी का दर्शन स्पर्शन आशीर्वाद ले लिया भगवान मेरे को, आप लोगों को ये बताना चाहते हैं। देखिए स्वामी का मतलब मिरेकल्स ऐसा होता है, मैं भगवान को देखना चाहता था स्वामी पटपर्ती बुला कर उनको दर्शन दे, इसका मतलब भगवान हमको मिल गया ऐसा है। तो ये मतलब स्वामी का ऊपर टेस्ट करना ये हमारा ये है। और उसका बाद में हम कई बार मैं दर्शन में बैठते हम लोगों, मेरा बगल में एक आदमी बताया था शुरुआत में, सो उस टाइम ये देखो आप कैसा आ गया, क्यों आया था, तुम कौन है, स्वामी को सब जानते हैं। मैं सोचा ये क्या स्वामी को जानते ये पूरा, ऐसा मेरे मन में सोचा था। उसको बाद में कुछ दिन होने के बाद मतलब हाँ मैं हमेशा फोटो पर मैं उस टाइम क्या उसी टाइम से कॉलेज ही छुट्टी हो गई, एक हफ्ता दस दिन कुछ भी दिन छुट्टी हो गया, मैं उधर से नजदीक है आप लोगों का मॉल में धारवाड़ से मतलब नजदीक है हम लोगों को 30 रुपए कुछ लगता था, सो मैं सीधा पटभर जाता था स्वामी दर्शन और उधर सेवा करता था और वापस कॉलेज में आता था, घर का जाता था नहीं मैं बिल्कुल, ऐसा 2-3 साल ऐसे में घर ही गया नहीं, मेरा पेरेंट्स भी पूछा नहीं नहीं मैं स्वामी पटभर से जा रहा है, फिर ऐसा में पूरा मेरा जिंदगी ऐसा स्टूडेंट लाइफ ऐसा निकल गया। सो वो उस टाइम उसका बाद में क्या हो गया था, सो स्वामी एक दर्शन में बैठा तो स्वामी बोला था देखो आपका स्वामी बोला था ऐसा न्यू 3rd ईयर चलो एग्जाम दिखर कुछ नहीं
నువ్వు తిరగటం ఇవన్నీ తప్పించి చదువుతున్నావు ఏమన్నా ఏలేరో ఐషా స్వామి ఏ బోలా ఇస్కా మీనింగ్ ఆ మొదలు అవి థర్డ్ ఇయర్ పట్ట ఇంజనీరింగ్ అవరు ఎగ్జామ్స్ నజదీక్ ఆ రే ఆప్ ఘూమ్ రే అవర్ పఢాయి మే కాన్సన్ట్రేషన్ నహీ కర్ రే దెన్ ఐషా ठीक हो ऐसे बोल के हंसता मेरे को प्रसाद विभूति ऐसे ऐसा करके स्वामी प्रसाद विभूति दे दिया मेरे को। भगवान ने पूछा अरे क्या आप इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं थर्ड ईयर पढ़ रहे क्या हाँ और स्वामी को कैसे मालूम है वही स्वामी चमत्कार स्वामी को सब जानता है मैं कभी स्वामी को ये नहीं बताया था स्वामी में इतना कितना आदमी बैठते दर्शन में से मैं कौन है युग ऋषि में तो स्वामी मेरे पास आके आप थर्ड ईयर पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग आप पढ़ता नहीं देखो अच्छे से पढ़ना एग्जाम नहीं दिखा रहे स्वामी के एवरीथिंग नोस एवरीथिंग स्वामी ये इधर का उधर का है नहीं हर जगह में स्वामी पूरा कंप्लीटली रहा स्वामी स्वामी इधर इधर नहीं सब जगह में रहता है और सब जानता है सब मतलब साझे है स्वामी को ना मतलब असाध्य बिल्कुल है नहीं स्वामी को सब साझे है। सो ये ऐसा चल रहा एक बार मतलब कई इंसिडेंट्स ऐसा मतलब मेरा जीवन में स्वामी के साथ में कई इंसिडेंट्स मैं एक बार ऐसा फटाफट मैं स्टूडेंट था बच्चों था हम लोगों इतना एक्टिव रहता था कोई सेवा फटाफट जाने से सेवा करना भजन में बैठा स्वामी दर्शन लेना ये है और पढ़ाई करना थोड़ा बुक्स लेके जाता था कभी खाली टाइम में बुक्स पढ़ता था वो ये मेरा यही है बस वास्तव दूसरा कुछ मन में कुछ नहीं यही है। सो ये एक बार ऐसा हम लोगों अखंड भजन चल रहा था 24 आवर्स भजन आप लोगों का मालूम है। सो उस टाइम सो हम लोग दिन रात सेवा करता था और स्वामी दर्शन होने से दर्शन में बैठता था और भजन में करता था। सो एक बार हमारा वो लोकल का उधर पट्ट पट्टे का एक सेवा दल क्या बोला रामराजू आप ये थोड़ा ये काम करना तो मैं उस टाइम कार पहनना जरूर था उसी सेवा को। सो मेरे पास कार आई नहीं बताया नहीं मेरे से ले लो बोल के वो सेवा दल को इंचार्ज को ये मतलब मेरे से वो मतलब मेरे को स्कार्फ डाल दिया मैं स्कार्फ पहन के और सेवा कर दिया हो गया उस स्कार्फ को दे दिया था। दिन बाद में दर्शन में बैठा मैं स्वामी आ गया दर्शन देने का। सो उस टाइम स्वामी क्या बोला था मालूम है तो ఒకసారి ఏమన్నా దర్శనంలో కూర్చుంటావు ఒకసారి ఏమన్నా భజనలో కూర్చుంటావు ఒకసారి ఏమన్నా సేవ చేస్తుంటావు అయినా ఈ స్కార్ఫ్ నీది కాదు కదా నువ్వు వేరే వాళ్ళు తీసుకుని నువ్వు అలా చేయకూడదు కదా నీది నువ్వు సంపాదించుకోవాలి ఇసుక మొదలు క్యాయ్ ఆ మొదలు కవి 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 దర్శనమే పెడితే కవి భజనమే పెడితే కవి సేవా కర్తారతే ఆర్ దూసరా ఏ స్కార్ఫ్ ఆప్కానే దూసరా సే లేకే आप स्कार्फ पहन के सेवा कर रहे हैं ऐसा नहीं लेना है ना आपका स्कार्फ आप खुद मदर सर ये लेना चाहिए आपका होना चाहिए हाँ ले लो बोल के हंसता हंसता मेरे को प्रसाद विभूति दोबारा ऐसा दे दिया। सो बगल वाला पूछा था मेरे को अरे स्कार्फ आपका नहीं बिना मतलब किसी का दान किया सेवा किया हाँ अरे स्वामी को कैसे मालूम ये चमत्कार है स्वामी सब जानता है ऐसा ऐसा कई इंसिडेंट्स। एक बार हमारा मैं दर्शन में बैठा था वो दर्शन में सो एक बंदा ऐसा कई दिन से मैं देखा था वो व्हील चेयर में दर्शन लेता था मैं फटाफट कई बार गया था। सो कई बार उनको ऐसा व्हील चेयर में बैठकर दर्शन लेता था। सो एक बार किसी ग्रुप को मतलब इंटरव्यू देता था उस टाइम स्वामी इनको भी बुलाया था गया था जाने टाइम दरवाजे तक व्हील चेयर में गया था उसके बाद में अंदर चला गया व्हील चेयर बाहर छोड़ दिया। सो अंदर जाके वापस आने टाइम में इंटरव्यू हो गए वापस आने टाइम में विदाउट व्हील चेयर मतलब आप पैदल में सबका साथ में जस्ट किसी आदमी को सपोर्ट करके पैदल में चला गए देखिए कितना चमक मेरा आंख का साथ में हो गए देखिए ये कितना चमत्कार है देखो ये सबको स्वामी को सब जान। और एक बार स्वामी एक बार मैं उस टाइम फोटो पड़ते से कई दिन रहा देन मैं कॉलेज वापस जाने का मैं सोचा था देन उस शाम को बैक एंड बैक पूरा मतलब थोड़ा तैयार हो गया क्या स्वामी उसी शाम को मेरे को था आपका कॉन्ट्रैक्ट इंटरव्यू दे देगा देन मैं अच्छे हो गया देन मैं पूरा ड्राप हो गए और उसी दिन रात को रहा और नेक्स्ट डे सुबह मेरे फर्स्ट लाइन आया था देखिए देन स्वामी बोला आते आप अंदर जाओ देन अंदर इंटरव्यू में। सो आप लोगों को मालूम है जो इंटरव्यू आ गया इंटरव्यू देखा आप लोगों को मतलब फर्स्ट रूम में स्वामी सब 15-20 आदमी को बिठाते हैं उस टाइम जो है कुछ अच्छा चीज बताता रहा था उसके बाद में जो है सबको मतलब विभूति प्रसाद दिया था
आप उस टाइम सबको सामने ऐसे 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 करके मेरे को स्वामी ऐसा ये लाकर दे दिया था। स्वामी खुद मतलब मेरे को ऐसा फायदा था। तो ये देखो स्वामी का चमत्कार। उसके बाद में एक एक आदमी अंदर बुला था, मेरे को बुलाया था, सो कई चीज आपका साथ में रहेगा, आप चंद निश्चिंत रहो, स्वामी आपका हमेशा रहेगा आपके साथ में, आप अच्छे से सेवा करो, ये पूरा करो, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से मतलब आपको बढ़िया ये अच्छा रहो बोल के मेरा कई चीज बताया था स्वामी। सो ऐसा है। तो एक बार क्या हो गया था, मैं उसी मिशन शॉप में कई इंसिडेंट में बताना से मतलब कई चीज होता रहता है ऐसा कई इंसिडेंट स्वामी के साथ में। मैं मिशन शॉप में प्रैक्टिकल कर रहा था, मेरा ये चेन है ना स्वामी जो दिया था उस टाइम ऐसा बैंड ऐसे काम कर रहे थे, मैं ये वो मिशन का ये हैंडल ना पकड़ कर ऐसे उठ गया टाइम वो चेन टूट गया। अरे स्वामी लैकेट दे दिया मेरा चेन टूट गया, क्या करना ऐसा। देन मैं सोचा था नेक्स्ट टाइम फोटोपत्ते जाते हैं स्वामी को बताएंगे। देन गया था, सो नेक्स्ट टाइम गया था, मैं जाने के बाद आफ्टर 15 डेज कोई हमारा ग्रुप आंध्रा से विजयवाड़ा से कुछ 2-3 हजार आदमी एक ही इकट्ठा ग्रुप आया था, बड़ा ग्रुप आया था उस टाइम। सो स्वामी मतलब ये सबको दर्शन दे रहा है, मंदिर में बुलाया था सबको, आमने सामने बैठा के स्वामी पाद नमस्कार वैसा दे रहा था। दे मैं भी उसी एरिया के बोल के मैं आंध्रा उनके साथ में लास्ट में बैठा था। सो उस टाइम स्वामी मेरा पास नजदीक आया था, मैं बोला स्वामी मेरा चेन लॉकेट का चेन है टूट गया। सो रमेश था स्वामी क्या बोला मालूम है, नुव्वु वीड़तो पाटु वच्चावा, नुव्वु वीड़कंटे 15 రోజుల ముందు వచ్చావు, మరి వీడితో పాటు కూర్చోవడం కరెక్టా? కాదు కదా, లేదు ఐసా బోల్తే ప్రతి క్యా బోలా ఇస్కా మాత్రం మాలూమే, సో నువ్వు వీళ్ళకంటే ఇస్కా గ్రూప్ గా పహలే ఆ 15 దిన్ పహలే ఆయా థా, సో ఆప్ ఇన్కా సాత్ మే బైట్నా ఠీక్ నహీ నా, ఇన్కా సాత్ మే ఆయా నహీ నా, సో ఐసా బైట్నా సహీ నహీ నా, सो ऐसा बोल के ले लो ऐसा बोल के मेरे ऐसे ऐसे करके प्रभात प्रसाद छोड़ दे दिया था। सो सर मेरे सामने सर पगलवार पूछ रहे, अरे हमारा साथ तो आया नहीं, मैं आया नहीं, मैं कर्नाटक से आया था मैं। अरे देखो स्वामी कैसे जाते और 15 दिन पहले क्लियरली बोल रहे, वो भी सही है। तो स्वामी एवरीथिंग स्वामी नोस एवरीथिंग, स्वामी नोस एवरीथिंग, आप विश्वास करो ना करो, एवरीथिंग एवरीथिंग स्वामी नोस एवरीथिंग। तो ऐसा कई चीज और मेरा सामने उस टाइम उसी ग्रुप के साथ में सो प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था, सभी 2-3 आदमी कार्टून पकड़ के प्रसाद स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, स्वामी भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। एक आदमी ऐसा चिल्ला रहा था, सो है प्रसाद खत्म है प्रसाद, स्वामी बोला क्यों चिल्ला रहा है, ये ले लो ऐसे ऐसे बोल के ऐसे किया मेरा आंख ऐसे बोला और उनका कार्टून भर गया मेरा आंख के सामने। मेरा सामने कोई विश्वास कर सकते हैं? हमारा दिख में ये हमारा दिमाग में ये चीज चलता है, ऐसा भी हो सकता है क्या? तो स्वामी का इसे असंभव कुछ नहीं, एवरीथिंग मतलब साच है स्वामी को। सो ये चीज है। और उसका शादी का बारे में भी मैं बहुत कुछ, मेरा पेरेंट्स से शादी का एज हो गया, आप मतलब शादी का नाम नहीं नहीं नहीं, मैं स्वामी के पास रहेगा, मैं चाहे तो स्वामी का ड्राइवर बनेगा, ये बनेगा, स्वामी के साथ में रहेगा, मैं शादी कुछ नहीं, मैं स्वामी एवरीथिंग मेरे को स्वामी ऐसे बोल के आप क्या बेटा। मेरा फादर मदर मेरे को बहुत कन्विंस किया, नहीं नहीं मैं बोला लास्ट में नहीं नहीं चाहे तो स्वामी को पूछो देन हम देख लेंगे ऐसा बोला। देन मेरा फादर आ गया, मदर आ गया, स्वामी के साथ दर्शन ले लिया, एक बोला क्या क्या पूछा क्या मतलब पत्र बाद में मेरे को एंगेजमेंट हो गया और शादी भी हो गया था। तो उसके बाद में बॉर्डर रोड से हम लोग आपको मालूम है बॉर्डर रोड में कितना घटना होते, हम लोग लास्ट में बॉर्डर में से लास्ट में बॉर्डर में रहता है हम लोग। सो एक बार क्या हो गया था, सो हम लोग एक बार बहुत घर में जाके वापस आ रहा था, छुट्टी जाके वापस आ रहा था, उसमें सीला टॉप बोल के अरुणाचल प्रदेश में लास्ट में हम लोग तवांग में रहता था, हम लोग तवांग में मैं ऑफिसर कमांडिंग था। सो उस टाइम तो तवांग का पहले सीला टॉप आता है, उसमें बहुत बर्फ गिरता है, हमारा बॉर्डर रोड खुद मतलब स्नो क्लियरेंस करता है। सो सोला टॉप का नीचे एक सापर बोल के हमारे नीचे डाउन है वो, उसमें हमारे गेस्ट हो जाते हैं। सो हम 3 दिन लगातार ऊपर तक जाना सोला टॉप तक और वर्क क्लियरेंस कंप्लीट नहीं हो रहा है बोल के और वापस आके गेस्ट हो रहे हैं। तो तीसरे दिन में बोला नो इस दिन हम कैसा भी तवांग जाना है बोल के हम लोग रात को, आप लोग बिलीव कर नहीं करेगा, रात को 11 बजे हो गया। सो उस टाइम रोड क्लियर हो गया। सो उस टाइम क्या हो गया था, हमारा जीओसी साहब एक आर्मी का सीनियर मोस्ट ऑफिसर उधर से तवांग से नीचे तेजपुर आ रहा है। सो उस टाइम मतलब वो हमारा ऑफिसर का जीओसी साहब का गाड़ी निकल गया, उनका पीछे पीछे सिविल गाड़ी भी शुरू हो गया, सारी गाड़ी आ रहा था। सो सारी गाड़ी निकल रहे
क्या हो गया उसके बाद स्नोकलिंग करने टाइम में आप लोगों का मालूम है ये थोड़ा बहुत है ना रोड में थोड़ा ग्लास टाइप थोड़ा बहुत बचता है सो नॉर्मल छोटा गाड़ी निकल जाता है कोई लोड गाड़ी थोड़ा चढ़ाई में क्या होता है ग्लास टाइप की वजह से स्लिप होता है लोड गाड़ी की वजह से वो चढ़ नहीं पाया सो रोड को ब्लॉक हो गया था पर पीछे और 30-35 गाड़ी पूरा कंप्लीट ब्लॉक हो गया हम इधर से नीचे से और ऊपर जा रहे हैं ना हम लोग सो हमको रोड ब्लॉक हो गया हम जा नहीं पाया तो उसने हम लोग आगे थोड़ा खबर दिया था भाई हम लोग आ रहे हैं थोड़ा हमको ये कोई गाड़ी भेजो हम तो आगे आ रहे हैं सो उस टाइम उधर से कम 3 किलोमीटर रास्ता है सो अभी हम लोग क्या रोड मेन रोड में हम निकाल बर्फ से निकाल के साइड में ऐसा फेंकता रहता है सो हम लोग क्या मतलब रोड में सारी गाड़ी है मैं और मेरा मिसेस बच्चे छोटा बच्चा है उस टाइम गोदी में लेके हमारा ड्राइवर और सदी जा रहा था सो उसी साइड में मतलब ये जो बर्फ लगा दिया था उसी बर्फ में पैदल में जा रहा था सो हम लोगों का शू वगैरह है सो मेरा मिसेस का भी उसने शू नहीं पहना सिर्फ चप्पल पहने के सॉक्स पहना था सो थोड़ा कुछ देर देने मतलब 2-5 मिनट ऐसे चलने के बाद है ना उनको बर्फ पकड़ गया पकड़ने मतलब आपको आप लोगों को मारे घर पर बर्फ पड़ने वाले ब्लड पूरा स्लो हो जाता मूवमेंट का ब्लॉक हो जाता रहते और बॉडी में मूवमेंट खत्म होता है तो बेहोश हो रहे मेरा मिसेस सो मेरे को बता रहा था देन बाद में क्या उनको बेहोश हो गया था हम लोग क्या कर रहा था उसको मैं और मेरे ड्राइवर ऐसे दोनों हाथ पकड़ के उनको खींच के ऐसे ऐसे ले जा रहे हैं वो कुछ बोल रहे हैं मैं जा रहा है बच्चों का आप देख लो ये है वो है ऐसे बोल रहा था देन ऐसे बोल रहा था मैं नॉर्मल सोचा था नहीं तो उसी 30-35 गाड़ी में आप लोगों बिलीव नहीं करेगा सिर्फ एक आदमी एक वैन का ड्राइवर छोटा बुखार ऐसा मतलब एक डब्बी में बुखार चला के ऐसा बैठा था ये बोला था सर क्या कर रहे हैं मैडम ऐसे बच्चे का नहीं आप ऐसे कैसे क्यों लेके जा रहा है ऐसे थोड़ी होता है सर बैठिए बैठिए बोल के आप बिलू नहीं कर एक ही आदमी उतना 35-30 किलोमीटर अंदर में एक ही आदमी ऐसा बुखार जा रहा है फिर बटर बटर बिठाया था उसके बाद में ये सिर का जो तेल लेके ऐसा उनका गर्म गर्म करके हाथ को ऐसा मैडम को पाँव के पीछे ऐसे ऐसे बहुत गर्म किया थोड़ा ऐसा ऐसा मतलब 5 मिनट ऐसे करने को थोड़ा बहुत उनको बेहोश आ गया थोड़ा और 5 मिनट हम कार लेके ऐसा वो बताया था मैं थोड़ा आगे मैडम को थोड़ा गर्म पानी में थोड़ा वार्म वाटर में नमक डाल के थोड़ा एक हफ्ता ऐसा डाल दीजिए ठीक हो जाएगा बोला था फिर बाद में आप बिलू नहीं करेगा बर्फ ऐसा पाँव में पकड़ते है ना किसी को भी छोड़ता नहीं हार्ड हो जाता है नहीं तो मैडम को कुछ भी सीधा टॉप टिप टॉप कुछ नहीं हो गया सो नॉर्मल है देखो स्वामी कहते हैं ऐसे एक बार ऐसे आपको पता है बिलू नहीं करेगा एक बार हम लोग को जा रहा था सो उस टाइम सो हम लोग नीचे आ रहा था हम लोग टास्क फोर्स में कोई इम्पोर्टेंट ये था उस टाइम बहुत स्लाइड वगैरह आता था सो फिर भी मैं फैमिली के साथ में आ रहा है उस टाइम क्या हो गया था सो ये बहुत स्लाइड बड़ा पत्थर आके हमारे जिप्सी को ऐसे मतलब ठोक दिया मतलब लास्ट को उस टाइम सो हम या वो एक्चुअली स्वामी का लेला ये भी सो जिप्सी जाके ऐसा मतलब पेट को ऐसा हिट कर दिया देखो मेरे को पूरा कमरे ऐसा ये पूरा हाथ का ये हो गया था आप लोग देखे एक्चुअली उस टाइम इतना साइड में मतलब कम से कम 200-300 मीटर का वैली नीचे था इतना नीचे था वो हमारे इस साइड होने से ना पूरा फैमिली मतलब बचने वाला था हम लोगों सो इधर छोटा चीज में कोई बैड कर्म किया हुआ मैं इसलिए मतलब ये छोटा में स्वामी ये कर दिया देखो और हम के अभी बिल्कुल ठीक है एवरीथिंग ठीक है मेरा कुछ बोन बिन फराच नहीं होगा सिर्फ ये पूरा मांस वगैरह निकल गया बस इतना है बट बाकी पूरा हाथ की स्वामी से देखिए ये रिसेंटली जस्ट क्या है ऐसा बोलने से बहुत है अभी मैं एक्चुअली ये अभी पटपर्ती सेवा के लिए गया था उस टाइम मतलब 22 सेकंड को भारत बंद था ये कोरोना के चक्कर में सो उस दिन मैं फ्लाइट रात को 12 बजे था मेरा फ्लाइट सो ऑलरेडी मैं किया था अभी मैं क्या करूँ बाहर आ गया 2-3 बजे लगभग मतलब क्या या मतलब लंच लेके स्वामी में मेरा हाथ है कभी भी पुटपर्त जाता है मैं मतलब स्वामी का प्रसाद लेके लंच वो कोशिश करते हैं लंच लेके प्रसाद लेके स्वामी का नमस्कार करके जल्दी दोबारा दर्शन जल्दी स्वामी जी बोल के मैं आता है सो लंच ले लिया सो 12 बजे 12:30 बजे और बाहर आ गए एक गाड़ी में नहीं बिल्कुल एक बिल्कुल आप लोगों का मालूम है उस दिन 22 सेकंड कितना अच्छा बंद था इंडिया पूरा सक्सेसफुल बंद था ये एक गाड़ी भी नहीं था लेकिन बाद में मेरा सेवा दल के एक आदमी सर ऐसा करेगा साईं राम आपको मतलब रेलवे स्टेशन तक छोड़ेगा
ठीक है कोई बात नहीं, मेरा भी सिस्टम गया था उधर जाने पर, उनका दोस्त हमारा सेवा दल का है, मतलब स्वाई राम का है, वो भी बोला साहब मैं थोड़ा 10 मिनट आगे नहीं छोड़ सकते बोल के वो भी लेके जाके मेरे को जाते गया। ये गांव में भेजा गया था, सो उस टाइम मेरे घर से लगभग 3:30 बजे हो गया था। सो मैं ऐसे खड़ा हो गया, सो अभी कैसा जाना रहे मतलब एयरपोर्ट कैसे जाना सोच रहा था। उसका बाद एक आधा एक घंटा खड़ा हो गया, ये कार वाला बेंगलुरु जा रहा था, मैं ऐसे किया था, करने के बाद रुको दे क्या बेंगलुरु जाना, मैं बोला एयरपोर्ट जाना, आओ बैठो देखो कितना है समय, बैठा। सो एक जगह एयरपोर्ट में रोड में छोड़ दिया, मैं बोला पैसा है, नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं से बोल के साईराम बोल के मैं उतर गया, देखो कितना है। उसके बाद नीचे उतर गया, उस टाइम कोई कुछ नहीं, देन एक मोटरसाइकिल वाला आया था, तो मैं ऐसे रुक दिया थोड़ा 5-10 मिनट होने के बाद। तो मैं बोला एयरपोर्ट जा, हाँ एयरपोर्ट पर स्टाफ है, मैं बोल के बैठिए, आप बिलू नहीं करे, हम लोग 6 बजे लगभग पहुंच गया, मेरा फ्लाइट है 12 बजे, देखिए इतना जल्दी मैं आराम से, मैं इतना टेंशन हो गया, स्वामी स्वामी साईराम साईराम, मतलब मैं ऐसा चीज कई चीज ब्लाइंडली मतलब ऐसा स्वामी के ऊपर विश्वास करके चलता रहता है, स्वामी मेरे को सारी चीज, कभी कभी मैं रिजर्वेशन में भी ट्रेन में, कभी ट्रेन में जाने रिजर्वेशन नहीं होता, कभी ऐसा बैठ जाता है, सो टीसी आके मेरे रिजर्वेशन दे दो पैसा दे देकर जाए, ऐसा बोलते रहते हैं, नहीं नहीं सर आपको दे देगा, बोलिए मेरे कन्फर्म टिकट भी दे देगा, ऐसा मतलब कई चीज मतलब स्वामी के ऊपर में ऐसा विश्वास करके चलता रहता है। सो ऐसा मतलब और आपका विश्वास नहीं करेगा, उस दिन 98% सारी फ्लाइट बंद था, कुछ फ्लाई हो रहा था, चल रहा था, उसमें 4-5 मेरे को लगभग 5-6 हो सकते, उसी में मेरा फ्लाइट एक है, मैं बोला बच गया। सो उस टाइम बैठा रात को 3 बजे आ गया, अभी मेरा बच्चा वगैरह कार लेके आया था घर में आया था, वो बात अलग है। तो ऐसे मतलब सारी चीज हर चीज ऐसा बोलना चीज जाने से कई चीज होता रहता है, अभी कितना दिन बताने से भी अंत नहीं होता है। ये इसलिए मैं एक ही बता रहे हैं बच्चों को स्टूडेंट्स को, आप अच्छे से स्वामी की सेवा करो, और डिवोशन हमारा खुद का सेवा भी करता है नहीं करता पता नहीं, बट स्वामी का सेवा बोलने से कितना दिल से पूरा लगातार, हम लोग कोई प्रेसिडेंट बताया सेक्रेटरी बताया वो नहीं, हमको स्वामी सेवा कर रहा है, स्वामी के लिए कर रहा है, स्वामी सेवा कर रहा है, ऐसे दिल से अच्छे से करो, भाग्य पूरा स्वामी देखेगा, मेरा इतना विश्वास है। आप लोग ऐसा करके और अच्छे से रहें, जय साईराम साईराम। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और मुलाकात करते हैं अपनी अगली साई सेविका श्रीमती सरोज कलसी जी से। श्रीमती सरोज कलसी जी पेशे से होममेकर हैं और 16 वर्ष पूर्व भगवान के फोल्ड में आई और तब से लेकर आज तक वो निरंतर सेवा में कार्यरत हैं। श्रीमती सरोज कलसी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की भजन कोऑर्डिनेटर भी हैं। आइए तो मुलाकात करते हैं श्रीमती सरोज कलसी जी से और सुनते हैं उनके अनुभव। साई माता पिता दीन बंधु सखा, तेरे चरणों में साई मेरा कोटि प्रणाम। ओम श्री साई राम, माय हम्बल प्रणाम्स at the divine lotus feet of our most beloved Bhagwan, Shri Satya Sai Baba, and my loving Sai Rams to all my brothers and sisters. I feel extremely humbled sharing my journey with Bhagwan amongst you all. I come from a family who served the armed forces. My father was an Air Force officer. My brother an army officer. I married an army officer. My father-in-law was also an army officer. We grew up loving and respecting all religions. We celebrated all festivals. If it was Eid, my mother would make sevaiyan. If it was Christmas, we would sit and bake Christmas cake at night. We would make Christmas pudding. If it was Gurupur, we had kada prasad. We even decorated our house with flowers during Onam and made coconut payasam.
I remember during Ganesh Chaturthi, we would have Puran Poli and we would have Modak. We practically celebrated all festivals. Festivals were always such a fun time in our house. And this is what attracted me to Bhagwan. For Bhagwan preached that there is only one religion, the religion of love. Prem Ishwar hai, Ishwar prem hai, Ram rahim, Krishna kari, Zoroastra. So this was something that really, really attracted me to Bhagwan. And how did I come into the fold? Well, about 25 years back, my sister-in-law was diagnosed with fourth stage cancer. Doctors had given up all hope on her. In those days, my mother-in-law used to do seva at the Moolchand Hospital. She used to distribute medicines free of cost to the poor. Among them, her friends, Goyal auntie, Kripal auntie, Khanna auntie, they also did seva with her. And they all were ardent devotees of Bhagwan. So they told her that only Bhagwan Baba can save her. And they said that she should go to Puttaparthi. So he does miracles. So at that time, my husband was posted in Vizag. So my mother-in-law visited us there. And she expressed her desire to visit Puttaparthi. So we booked her tickets and saw her off at the station. So she was to return after 3 days. We went to receive her at the station. We waited for her. We did not see her. We could not spot her. We waited for all the trains from Puttaparthi coming to Vizag. In those days, there were no mobile phones. So we went back home and there she was sitting on the steps of our house, barefoot. Apparently, her footwear had got stolen in the train. After she freshened up over a cup of tea, I asked, "Mom, did you come back enlightened or disillusioned?" At that point of time, we did not believe in any Babas. My mother-in-law said, "She's come back disillusioned." I said, "What happened?" She said, "It was so tough living there in the shed. Mosquitoes bit her." I said, "What about Baba? Did you get Baba's darshan?" She said, "Yes, Baba used to visit in the mornings and he threw sweets and some of the sweets fell in her sari pallu, which she sent to Tata Memorial Hospital to her daughter. And miraculously, she started to recover." My mother-in-law really started to develop faith in Bhagwan. Sai Pita Re Mata Sai Deen Dayala Data Sai Sai Pita Re Mata Sai. From then onwards, she started to develop faith in Bhagwan Baba. At that point of time, Goyal auntie gave her a photograph of Baba, which she kept in her shrine along with Guru Nanak Dev's photograph, she being from a Sikh family.
I remember once when her brother visited, he commented, ਕਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਏ ਹੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਦੈਨ ਮੈਂ ਮਦਰ ਨੂੰ ਟੋਲਡ ਹਿਮ ਅਬਾਊਟ ਦ ਮਿਰੇਕਲ ਫਰੋਮ ਦੈਨ ਔਨਵਰਡ ਸ਼ੀ ਸਟਾਰਟਡ ਟੂ ਅਟੈਂਡ ਰੈਗੂਲਰ ਭਜਨਸ ਐਟ ਡਾਕਟਰ ਸੁਸ਼ਮਾਜ਼ ਰੈਜੀਡੈਂਸ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਈਅਰ 99 ਵਿਜ਼ਿਟ ਆਫ ਭਗਵਾਨ ਆਈ ਹੈਪਨ ਟੂ ਬੀ ਇਨ ਡੈਲੀ ਸੋ ਸ਼ੀ ਟੁੱਕ ਮੀ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਹਰ ਫੋਰ ਭਗਵਾਨ ਦਰਸ਼ਨ And I, then later when we relocated to Delhi, I also started attending bhajans with her, and which I really, really enjoyed. And during one of the bhajans in her house, I think it was my father-in-law's birthday, I just prayed to Baba and, you know, our monkey mind. I said, Baba, if you really got, you can fulfill two of my wishes. At that time, I had two really strong wishes which I really needed to be fulfilled. So I prayed to Baba, and within a month, both my wishes got fulfilled. And I said, my God, this one is real Bhagwan in human form. Bhagwan तुम्हारा नाम साई राम तुम्हारा नाम साई राम घनश्याम भगवान तुम्हारा नाम So at that time, I started to enjoy bhajan so much and I had this strong wish to have regular bhajan in my house. So I asked my mother-in-law, why don't you ask Goel auntie if we can have regular bhajan in our place? So she said, okay, when I go to the hospital, I'll ask her. But every time she came back, she would forget. So one day I told mom, let's go to her house. So we went to her house. And we told Goel auntie, I told her auntie I want to have regular bhajan in my house. So she said, okay, I'll ask the Samiti convener. So I said, why don't you call him up now? I had such a strong desire to have this regular bhajan. So then she called the Samiti convener there and then. And he asked if we wanted a special bhajan. So my mother-in-law told him, no, they want a regular bhajan. So he said, okay, the third Friday slot is free. So we got the third Friday slot and I started having, I had my first bhajan, I think it was the month of July. And the following month was like seva time, August seva time. And I really had this desire to go to Puttaparthi and thank Bhagwan. If he was so kind, he just fulfilled my two wishes so quickly. So I booked my tickets and I went to Puttaparthi. In those days, I used to suffer from chronic back pain. And whenever I traveled, I carried my waist belt with me. And I never did any strenuous work. But I got seva duty in South Indian canteen. And I did not know that it involved a lot of heavy work. So anyway, I did my seva, pouring sambar in huge cauldrons, lugging huge vessels laden with food in the carts, pushing the carts. And at night, my children called me up to check with me. And I told them that I got this seva and I'm doing, I described them what all I was doing. And they said, and my daughter said, Mommy, you be careful with your back. At that point, I didn't even realize that I have a back problem. So I prayed to Baba at night before going to bed. And I just said, Baba, please bless me that I'm able to do my seva successfully without any back pain. So the next 15 days, I continued my seva and successfully completed it. Without suffering from any back pain, and I did not wear my waist belt even once, and I could not believe that my back pain is gone for good.
and I felt that here is, he has to be, this Bhagwan has to be real God, for only God could have cured my back pain in one go. Teri mahima jo koi gaaye, janam janam ke dukh bisraaye, prem mai sai ma satya swaroopini ma. So since then I have been going for regular seva, doing my seva duties now and then whenever Baba has given me the opportunity, and I have never worn my waist belt since then, never suffer from any back pain. I feel Bhagwan Baba's presence in my life every single day. He has fulfilled all our wishes and desires. He's always with us. He always takes care of us, blesses us, protects us. I feel so blessed that we have Bhagwan in our life, and my only wish to Baba is that he continues to give us opportunities to serve him in any capacity. Tav seva ka avsar dijo satya sai Mahadev, Ganamrit me bhaphi dijo Prem sai Bhagwan, Prem sai Bhagwan. Om Shri Sai Ram. Dosto, हमारी आज की मुलाकात यहीं पे समाप्त होती है। मैं अंत में आभार व्यक्त करना चाहूँगा दिल्ली NCR के स्टेट प्रेसिडेंट श्री राकेश कपूर जी का, यूथ कोऑर्डिनेटर श्री साई किरण जी का, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कर्नल आनंद कलसी जी का, और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के तमाम पदाधिकारियों का, जिनके कारण आज हम इन महान सेवकों के से मुलाकात कर सके और उनके अनुभव सुन सके। दोस्तों, कठिन परिस्थितियों में जब हम कष्ट सह रहे होते हैं तो हो सकता है हमें ऐसा लगे कि शायद भगवान हमारी ओर नहीं देख रहे, लेकिन यकीन मानिए ये वो समय होता है जब भगवान हमारी ओर सबसे अधिक निकटता से देख रहे होते हैं। तो आइए, कठिनाइयों की परवाह किए बिना हम भगवान के दिखाए सेवा के मार्ग पर चलें और ऐसे सेवक बने कि हमारे अंदर भगवान का अक्स नजर आए। मशहूर शायर कृष्ण बिहारी नूर के शब्दों में, दरिया में यूं तो होते हैं कतरे ही कतरे सब, दरिया में यूं तो होते हैं कतरे ही कतरे सब, कतरा वही है जिसमें के दरिया दिखाई दे। ओम श्री साई राम।
कोई मत हो कोई पत हो तेरे द्वार जो आया कोई मत हो कोई पत हो तेरे द्वार जो आया कोई ढूंढे कहीं भी ढूंढे तुझको ही पाता कोई ढूंढे कहीं भी ढूंढे तुझको ही पाता परम ब्रह्म तू परम ज्ञान तू साई नारायण परम ब्रह्म तू परम ज्ञान तू साई नारायण ओ साई ओ साई मेरे सत्य साई भगवन मेरे सत्य साई भगवन ओ साई ओ साई मेरे सत्य साई भगवन मेरे सत्य साई भगवन तेरे सत्य की राह पे चलते रहेंगे हम हैं साई बालक तेरे सत्य की राह पे चलते रहेंगे मानव सेवा हो धर्म हमारा मानव सेवा हो धर्म हमारा मंजिल अपने पाके रहेंगे मंजिल अपने पाके रहेंगे ऐसा दो वरदान साई प्रेम से जपते रहो ऐसा दो वरदान साई प्रेम से जपते रहो साई गुरुदेवा जपते जपते चलते ही जाएंगे जब तक तन में प्राण 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 ऐसा हो वरदान साई प्रेम से जपते रहो साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात् ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात् ॐ साईश्वराय विद्महे
सत्य देवाय धीमहि तन्नः सर्व प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्व प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्व प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्व प्रचोदयात्।